धर्म की नगरी काशी में सोमवार को देव दिवाली मनाई गई। 85 घाटों पर जब एक साथ 21 लाख दिए टिमटिमाए तो ऐसा लगा मानो स्वर्ग धरती पर उतर आया हो। देश विदेश के नागरिकों के साथ ही 70 देशों के राजदूत 150 डेलीगेट्स इस अद्भुत पल के साक्षी बने। देव दिवाली के इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। भी देवी देवता हैं वो काशी में विराजते हैं और यहाँ आते हैं और अपना बाबा विश्वनाथ से माता अन्नपूर्णा से आशीर्वाद लेते हैं। यही परंपरा यहाँ है कि आज लोग आते हैं कार्तिक पूर्णिमा के दिन, आज देवी देवताओं से आशीर्वाद लेने के लिए तमाम पूरे भारत से पब्लिक आती है। ये अति प्राचीन त्यौहार है। काशी को आज के दिन स्वर्ग भी कहा जाता है देवी देवताओं के लिए, क्योंकि आज यहाँ पर सभी देवी देवता विराजते हैं, इसीलिए स्वर्ग की उपमा दी गई है काशी के लिए। आज क्या आज भव्य आरती भी की जाती है? आज सबसे वर्ष में देखा जाए तो सबसे भव्य आरती का आयोजन होता है और काशी के हर घाट पे एक से एक भव्यता मनाए भव्यता से आरती होती है और देवी देवताओं को अर्पित की जाती है। उनका आशीर्वाद मानव कल्याण के लिए देवी देवता देते हैं। गुरुजी, देवी देवताओं की इस आरती का हिस्सा बनने के लिए क्या भीड़ भी बहुत ज़्यादा आई है? लाखों की संख्या में लोग आए हैं। अभी अनाउंसमेंट हो रहा था कि बनारस के अंदर बाहर की पब्लिक कम से कम 14 लाख आई है। मेरे को तो लगता है कि 14 लाख से भी ऊपर है, 20 लाख से ऊपर पार कर रही है। और बनारस की तो पब्लिक छोड़ दीजिए, पूर्वांचल की छोड़ दीजिए, भारत के कोने कोने से आए हुए हैं जो इस देव दिवाली त्यौहार में सम्मिलित हो रहे हैं और अपना आशीर्वाद देवी देवताओं का लेके यहाँ से जा रहे हैं अपने जन कल्याण के लिए। गुरुजी, मानव कल्याण और देश की एकता अखंडता के लिए क्या संदेश देंगे आज गंगा दिवस? आज जो देव दिवाली मना रहे हैं, हम यही मानते हैं कि भारत एक अक्षुत राज्य रहे और सभी के प्रति अपना आशीर्वाद रहे और हमारा जो है हिंदू धर्म ऐसा है कि सबको मिल के सबको आशीर्वाद देता है और यही हमारी कामना है कि सब लोग एक दूसरे से मिल के रहें और अपने भारत देश का नाम रोशन करें।